तो देखो भाई, हम जा रहे हैं दुकान में इंटर करने, हमारे शुभ कदम पड़ने वाले हैं। चलिए आप भी चलिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की एक और नई शानदार वीडियो में, और स्वागत है आपका फिर से कंचन जौनपुरिया व्लॉग में। और भैया, आज हम सुबह सुबह एकदम तैयार हो गए हैं मस्त काय कि हम जा रहे हैं हमारे जौनपुर से 30 किलोमीटर आगे पीछे, हमको ये नहीं पता, हम जा रहे हैं बदलापुर, एक दुकान का उद्घाटन है और वो है हमारी दादी सास का, है ना मम्मी? हाँ, बाकी की बातें ये बताएंगे, कहाँ कैसे जाएंगे? यहाँ से हम लोग जाएंगे पॉलिटेक्निक होते हुए बदलापुर, 40 से 50 मिनट का समय लगेगा। और बस यही, अब रास्ते में जो भी चीज मिलेगी चलिए, मिठाई भी खिलाएंगे आपको, मिठाई खुदन से बच जाए तो खिलाए हो। ये हमारे भैया का एक काम बहुत अच्छा लगता है और भाभी का, कि जब भी ये मंगलसूत्र होता है या फिर कुछ भी होता है, ये अपने से पहनाते हैं। सोचो, भाभी फोर्स करती कि पहनाओ, फोर्स करते हैं। फोर्स नहीं, फोर्स बोल रहे हैं, फोर्स मतलब जबरदस्ती करते हैं। हाँ, हमको पहनाओ, नहीं भाभी फोर्स करती है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, मतलब कमेंट भी करते हैं कि आप मंगलसूत्र क्यों उतारती हैं, तो पहला रीजन ये कि गहने पहन के नहीं सोना चाहिए, दूसरा रीजन ये कि सब टूट जाते, एक बार हमारा टूट चुका है, यही लिए हम पहन के नहीं सोई, और गहना पहन के कैसे सोवत है यार, फालतू में मैसेज कर कमेंट किया करो तो काय उतारा, तो काय उतारा, तो गला सूना नहीं होना चाहिए, चैन हमेशा पहने रहते हैं, उतार देते हैं, सुबह पहनते हैं। दोनों सास मिल के बहू की साड़ी सही करते हुए ना, ये कैमरा लेके वीडियो बनाते हुए। तो देखो जी, तैयार हो गए, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। साड़ी अब हम खुद से ही पहनते हैं, मतलब जो नहीं बनता है वो मम्मी जी हमारी हेल्प करती हैं, और अभी तो चल रहे हैं सब कुछ रेडी, ये शॉल ले लिए, ठंडी वंडी लगे तो चलें। इतना पानी, चलो। ये देखो भाई, बाहर से भी गेट आधा पेंट हो चुका है, कल सौरभ को पापा बोले थे, सौरभ किए ही नहीं, तो आधा पापा किए हैं, अभी ये प्राइमर है, इसके बाद पेंट होगा, पुट्टी है, कल रतियम तो लगाए पापा। हाँ चलें, पनिया ले लो मम्मी, चालू कर देने के, तब देखे बच्चे को क्या हुआ, अरे समझ ला, अरे खोपड़िया खोपड़िया लड़ा था, ये भी आन हो जन, अब कोनो बच्चे अगर हाथ हम साड़ी पहन के जब भी जाई थी, हमका दिक्कत होते लॉन्ग जर्नी पे, ऑटोमेटिक बना ही तो दिख, तो भाई आज प्रे करिएगा कि सही सलामत पहुंच जाए। बोल मतलब दिक्कत होने लगता है ना जब नया कपड़ा पहन के जाते हैं, तो सौरभ सौरभ शौक हो गया, चलो ठीक है बाय। वहाँ देखो दादी सास ढेर के झोला भर के खड़ी है, आ जाएगा, आ जाएगा बिचवा में आ जाएगा, मम्मी आराम से गेटवा बंद करिएगा। तो देखो जी, हम लोग पहुंच चुके हैं पॉलिटेक्निक चौराहा, इधर से किधर किधर जाता है, हम सीधा जाएंगे, और ये किधर जाता है, मिर्जापुर, चल मिर्जापुर, इधर कितना रोड, ये मतलब टैक्सी खड़ा है दोनों तरफ इधर उधर, इतना ट्रैफिक रहता है पूरे जौनपुर में कि देख देख के सर दर्द करे लागत है, बोरिया लादे हैं आगे पीछे पूरे में। हाँ आराम से, हम लोगन का लेट होता है ना, हम आ जाए पहले ने सारा कुछ हो जाए, अभी आधा घंटा लगी, आधा घंटा लगी, अभी होएगा कि नहीं, अभी ना, अच्छा अभी ना भाई, आधा घंटा, अभी फीता नहीं कटा है, इनॉग्रेशन अभी नहीं हुआ है, हम लोग पहुँचेंगे तभी होगा। इधर से हम घर जाते हैं, और इधर से ये लखनऊ वाला रोड है, इधर से हम जा रहे हैं बदलापुर, और वही बदलापुर है जहाँ पे बदलापुर मूवी की शूटिंग हुई थी। आई एम जस्ट जोकिंग यार, हमको नहीं पता वहाँ पे शूटिंग हुई है कि नहीं हुई है, बस हम भी नहीं, लेकिन मूवी बनी है बदलापुर के नाम, बदलापुर के नाम से मूवी बनी है। तो ये है लखनऊ बनारस हाईवे ना, जो कि बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम गाड़ी सनसना के चल रही है, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, फोर लेन हाईवे है, फोर लेन है। भाभी यार, भाभी घर में रह के ना, घर का काम मुझसे नहीं होता,
दिन भर पूरा घर का काम करो और एंड में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। ना जिम का फीस निकलता है, ना पॉकेट मनी, ना प्रोटीन का पैसा। बताइए हम क्या करें? सौरभ देखो, हम तुमको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जहाँ से तुम डेली का लाखों कमा सकते हो। अच्छा? हाँ देखो, ये है 1xBet एप्लीकेशन, जहाँ तुम डेली 300 से प्लस, मतलब 300 से ज्यादा गेम खेल ही नहीं बल्कि वहाँ पे अर्न भी कर सकते हो। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल जैसे मोर देन 100 से भी ज्यादा लाइव मैचेस है जिन पे तुम बेट लगा के लाखों अर्न कर सकते हो। तो गाइस, क्या आप भी सौरभ की तरह कुछ अर्न करना चाहते हो और अभी भी कंफ्यूज हो कि कैसे करें, तो हम आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आप अब डेली का कमा सकते हो 1xBet एप्लीकेशन के साथ। तो दोस्तों देखिए मत, जल्दी जल्दी जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में, वहां पे आपको दिए गए लिंक पे क्लिक करके वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करते वक्त मेरा प्रोमो कोड कंचन 10x लगाओ और पाओ पूरे 26,000 तक का वेलकम बोनस। बोनस पाने के लिए आपको 100 रुपए अपने 1xBet अकाउंट में डिपॉजिट करने होंगे। तो सोच के आ रहे हैं, जल्दी जल्दी जाइए और डाउनलोड करिए। तो देखो भाई, हम बदलापुर में इंटर कर चुके हैं। वेलकम टू बदलापुर, और सामने बदलापुर चौराहा। अच्छा हाँ, यही चौराहा बदलापुर। यहाँ सजा है अमित इलेक्ट्रॉनिक, यही होगा। हाँ, यही है। हाँ, दादा खड़ा है। यहाँ पे कपल आटा ही लग जाएगा गाड़ी आराम से। ये वाला है, उधर दो दुकान है इनका, दो दो। ये देखो भाई, पिकअप वाला हटाया। अच्छा, ये स्टेबलाइजर वाला है ऊपर, पुराना वाला। नया वाला कहाँ है? पुराना वहाँ रहे, पुराना वाला ये है। और नया वाला किधर है? अच्छा, कौन कौन है? किधर लगाए? किधर किधर लगाए? ये घटा लगाते हैं। अच्छा अच्छा। तो भाई फाइनली हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ के लिए निकले थे। ये देखो टेंट लगा यहीं पे है, वही क्या बोलते हैं, जिस दुकान की ओपनिंग है अमित इलेक्ट्रॉनिक। और ये पुरानी वाली है। अच्छा, नमस्ते भैया। अच्छा, आप ही हैं? बड़े वाले हैं? हाँ, बड़े वाले हैं। अच्छा, ये भैया हैं इनकी शॉप की, जिनकी शॉप की ओपनिंग है, ये भैया वही है। तो भाई, किसी कुछ खरीदना वरीदना होगा तो आइएगा, अभी वहाँ जाके दिखाएंगे क्या क्या है भैया की शॉप में। आ जाए, वो भी आ जाए तो गाड़ी। अच्छा, ये मकान मालिक है। रहते कहाँ पे है? नहीं भैया, रहते कहाँ? ये तो दुकान। अच्छा, वहाँ पे दुकान भी है, वहीं रहते भी हैं? दुकान भी है ऊपर, वहीं रहते हैं मालिक। अच्छा, ये देखिए एक स्टेबलाइजर की दुकान है। अब की हमारे यहाँ स्टेबलाइजर खराब होगा तो आपके यहाँ से उठा ले जाएंगे। तो भाई पतिदेव हमारे गए गाड़ी पार्क करने, क्योंकि यहाँ पे पूरा मेन रोड है। देखो चौराहा है, चौराहे से बस थोड़ा सा आपको आगे आना है जहाँ पे फ्लैग लगा है। हम क्या निशानी बताएं आपको, ये मॉल है। मॉल के जस्ट सामने है रिद्धि विनायक साड़ियाँ, साड़ीज इसके जस्ट सामने ही है अमित इलेक्ट्रॉनिक। और देखो बहुत सारे लोग आए हैं, गाड़ी खूब खड़ी उड़ी है। पति देव आ जाएं तो हम लोग भी चलते हैं। है सुनिए, यहाँ आइए। बताएं, हम सर पे पल्लू डाले गिर रहा था, मम्मी तेरी मॉडली है, सर पे पल्लू डाले तू उतर। चलिए, किधर जाएंगे हम लोग? हम लोग घर जाएंगे। अच्छा चलिए, दुकानियाँ तो दिखा देते हो जाके बाद में। चलिए ठीक, चलिए ठीक ठीक ठीक, चलिए आप ले लीजिए, हमको साड़ी संभालना है। चलो, ये है अमित इलेक्ट्रॉनिक पुरानी दुकान। महंगा पड़ जाएगा यहाँ से, 700-800 का पेट्रोल जलाओ पहले। नहीं तो पैसा ना देव, ना फिर ये उठा लीजिए। अच्छा, दादा वही रहे लगे। सही, ये देखो ये है पुरानी दुकान। अच्छा, पूरा इन्वर्टर स्टेबलाइजर इन्वर्टर वगैरह, नया और रिपेयरिंग वगैरह सब होता है। यही भैया, यही रेपो कर लेंगे। अच्छा, कई दो तीन कमरा लिए ना। ये देखो दुकानदार है, उसकी पहचान है, यहाँ पे कॉपर पर रखा गया पूरा। मतलब स्टेबलाइजर क्वांटिटी काफी ज्यादा रखे हैं भैया। स्टेबलाइजर हाँ देखे, वो देखेंगे।
ये देखो पीछे इधर पूरा स्पेस है। कंचन गाड़ी उधर ही खड़ा करके देखो, ऐसे उधर सोते हुए गए हैं, उधर सोते हुए गाड़ी उधर पीछे खड़ा करके आया, बगलिया में है। हाँ पीछे उधर है ना। तो अभी हम लोग चल रहे हैं उद्घाटन में। ये देखो कितने सारे स्टेपलाइजर रखे हैं। देखिए जो बदलापुर मेन चौराहा है इसी के सामने है दुकान। देखिए अमित इलेक्ट्रॉनिक पुरानी वाली और एक नई वाली खुली है। बता दे मैटी टीम छाया गया। ये देखो थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी हुआ है। ये देखो वाइट टेंट लगा है और ये नहीं अंदर दुकान खुला है। ये देखो अमित इलेक्ट्रॉनिक। ये देखो ये दुकान। हाँ नहीं नहीं ठीक है ऐसा सही है। बैठ जा बैठ जाओ। हाँ ये देखो बैठते ही नाश्ता मिल रहा है। अभी उद्घाटन नहीं हुआ है ना। अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। अभी मम्मी आ रही है उद्घाटन करता बैठा। आप हमको दे दीजिए हाथ में से, हम बैठ जाएंगे। ये देखो मिठाई और समोसा। तो देखो भाई आते ही हमको मिल गया मिठाई और समोसा। खाइए मम्मी। और ये है दुकान जिसमें फ्लावर्स वगैरह लगे हैं। अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, पहले मिठाई दे दिए, लड्डू ये समोसा दे दिए खाने के लिए, फटाफट खा लेते हैं, फिर आगे जो होगा हम आपको दिखाएंगे। रिबन बांध रहे हैं और वहाँ पूजा कर रहे हैं। पूजा होगी ख़त्म उसके बाद फिर ये करेंगे, रिबन कट करेंगे। लेकिन रिबन बिना काटे तो किसी दुकान में जाने नहीं दिया जाता यहाँ सर। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ बोला जा रहा है, मतलब लड़के बोल रहे हैं कि मम्मी आप काटिए, मम्मी बोल रही है कि पापा से कटवाओ। चप्पल निकाल के फोटो नहीं वीडियो हो रही। देखिए रिबन कट गया है, अब सब लोग जा रहे हैं दुकान के अंदर। हम भी चलते थोड़ी देर में दिखाएंगे क्या क्या है। ये इधर काउंटर है, बाकी सारा सामान इधर रखा है। अंदर अंदर चलिए बताइए क्या क्या है। तो देखो भाई हम जा रहे हैं दुकान में इंटर करने, हमारे शुभ कदम पड़ने वाले हैं। चलिए आप भी चलिए, चप्पल उतार दें। ये देखिए ये काउंटर का कहाँ बेचते हैं बताइए। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं सारे, और क्या है। अच्छा बता दीजिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा लोगों को कि तो आएंगे कैसे कस्टमर। देखिए बिल बना रहे हैं और इधर पूरा सामान रखा है। ये देखिए मेन स्टेबलाइजर का ही मटेरियल सारे है। स्टेबलाइजर का है, स्टेबलाइजर है, सबमर्सिबल का पार्ट्स है और उसका सब सामान है। अच्छा तार और जैसे हो गया पंखा बैटरी मशीन मोटर का सब वायर यहाँ पे सब उपलब्ध है। किसी को इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान का पार्ट्स चाहिए जैसे फ्रिज का, उसका भी है? फ्रिज का नहीं, फ्रिज का नहीं है, मतलब जो भी चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बैंडिंग के स्टेबलाइजर चाहिए तब भी मिल जाएगा। बैंडिंग संबंधित सारा सामान, बैंडिंग संबंधित। अच्छा और इधर सामने वाले दुकान में क्या क्या है? चलिए बताइए, कन्वर्टर सारी चीजें हमारी सब, मतलब जो भी किसी को यहाँ से नया बनवा के लेना है जैसे, तो पार्ट मिलेगा मेरे यहाँ मिस्त्री। अच्छा। और फुटकर में नहीं। अच्छा फुटकर में नहीं, इकट्ठा मतलब थोक विक्रेता। इकट्ठा ऊपर दुकान है उसका स्टेबलाइजर बेचते हैं, मतलब एक थी भी मिल जाएगा ना वहाँ से, जो ऊपर है वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए बढ़िया है, जितने लोग हैं भाई सब लोग आके ले जाओ यहाँ से। हमारी दादी सास बोल रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए सब लोग, यहाँ सबको करवा दीजिए जाके। अरे मम्मी दीजिए मम्मी को, कुछ नहीं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही कॉफी की। भाई समोसा मिठाई पहले खा चुके हैं। ये जो ये है ना इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमको नहीं पता, पहले मुझे पता था याद नहीं है। जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेबलाइजर का या फिर जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं वो इसी को जोड़ के बनाया जाता है। पता है कंचन बदलापुर में एक महोत्सव होता है बहुत फेमस, बदलापुर महोत्सव, जिसमें क्या होता है एक बहुत बड़ा स्टेज लगाते हैं, मतलब बहुत बड़ा स्टेज
जिसमें बड़े बड़े जो थोड़ा फेमस कलाकार होते हैं, चाहे वो कॉमेडी दिखाने वाले हो, चाहे नौटंकी दिखाने वाले हो, यूट्यूबर को भी बुलाते हैं जो थोड़ा कॉमेडी टाइप बनाता है, और जो थोड़ा सा कलाकार जो फेमस हो गए हैं सोशल मीडिया पे, उनको बुला के स्टेज देते हैं जहाँ पे अपना एक इतना किरदार निभा के हाँ परफॉर्मेंस करते हैं। अभी बीच में हुआ था बदलापुर महोत्सव, साल भर में एक बार होता है, बहुत बड़ा मतलब आयोजन किया जाता है बदलापुर में, मतलब इनवाइट करते हैं, इनवाइट करके बुलाते हैं उनको, मतलब पैसा से नहीं देते। बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे बुलाए हैं तो पैसा देंगे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देते, फ्री में कराते हैं। उनका मानना होता है कि भाई आपको पब्लिसिटी दे रहे हैं, सामने से स्टेज दे रहे हैं, आप आओ परफॉर्म करो अपने यहाँ पे, परफॉर्म करो आप भी अपना फेस वैल्यू बनाओ। और ये सब जो आयोजन होता है यहाँ के जो सांसद है विधायक जी पूरा कराते हैं आयोजन। तो फिलहाल अभी देखिए हम लोग का खाना आ चुका है, ये देखो इसमें दाल सब्जी दाल सलाद दलिया गिर न जाए मम्मी देखो थोड़ा। हम लोग बोले थे कि हम लोग एक ही थाली में आएगा तो एक ही थाली में आया खाना, और देखो मम्मी का आया, मम्मी चावल निकाल दादी, मम्मी चावल कम खा लेनी, दाई भी अपना खाना लेके आ गए यहाँ, ये देखो खाना वाना खा पी लिए हैं, और खाने के बाद अब हम लोग निकलने वाले हैं। खाएं, इतनी तेज ठंडी लग रही है हमका, देखो सॉल ओढ़ लिए, सॉल लेके आए थे, चलोगे गाँव? वो देख भी न करेगा फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए वापस, गाड़ी हम लोग इसके पीछे लगाए हैं तो इधर से ही जा रहे हैं शॉर्टकट, कि बार बार गाड़ी रोकना पड़े। इधर देखो कॉफी लगा है पूरा। तो भाई हम लोग आए थे आगे वाले गेट से, निकल रहे हैं पीछे वाले गेट से, इधर देखो हमारी गाड़ी खड़ी है, दो गाड़ी और है, चलिए देखो पूरा खेती के तारे, इधर घर भी बने हुए यहाँ पे देखो, ये कि ये रिजॉर्ट टाइप का किसी का घर बना है, ये हमारे पतिदेव को अच्छा लगा। हाँ अच्छा यही वाली है। ओके जी, तो अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं घर, और आई होप आपको हमारी ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि बदलापुर से कौन कौन है, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो सबसे मिल के आएंगे, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया कर ले, आप काय के इंतज़ार कर रहे हो, मिला हम आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।